सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सारे एंगल सामने आ रहे हैं। सुशांत के केस में अलग अलग एंगल देखकर शेखर कपूर का सिर चकरा रहा है और कही है काफी सारी बातें। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन शुरुआत से ही सुशांत को और उनकी फैमिली को न्याय दिलाने की मांग करते आए हैं। सुशांत केस में इस समय एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे हर कोई हैरान है। वहीं अब ये हर कोई सोच रहा है कि इस केस के मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द दबोचा जाए। शेखर सुमन ने मीडिया ट्रायल से लेकर हर दिन सामने आने वाली थ्योरी को लेकर कई सारे ट्वीट्स किए हैं और ये उम्मीद जताई है कि जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय मिलेगा। साथ ही शेखर सुमन ने सुशांत सिंह राजपूत के सभी फैंस से ये गुजारिश की है कि वो बीच रास्ते में परेशान ना हो, क्योंकि जीत जरूर मिलेगी। अपने पहले ट्वीट में शेखर सुमन ने लिखा कि जो भी चल रहा है उसे देखकर मैं परेशान हो गया हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, न अभी न कभी। कातिलों, तुम इस चीज से बाहर नहीं जा पाओगे। 1.3 बिलियन लोग इस केस से जुड़ चुके हैं और अब तुम लोग नहीं बचने वाले हो। आप देख सकते हैं शेखर सुमन का ये ट्वीट। शेखर सुमन ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि आप सभी से गुजारिश है कि ड्रग एंगल से बाहर आइए भगवान के लिए और सिर्फ मर्डर एंगल पर ही फोकस कीजिए। इस केस को भटकने मत दीजिए। अगर ऐसा प्रूव भी हो जाता है कि हाँ कोई ड्रग माफिया था तो ये मर्डर मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेगा। वही तीसरे ट्वीट में शेखर सुमन ने लिखा कि हर एक एंगल को सुनने के बाद हर एक चैनल पर चलने वाली थ्योरी, सोशल मीडिया, ब्लाइंड आइटम्स, फेक न्यूज, पैरानॉर्मल, सीबीआई, पॉलिटिक्स, ऑडियो टेप देखने के बाद मेरा सिर फट जाएगा, ये सब क्या चल रहा है। आपको बता दें सीबीआई के सामने सुशांत की बहन मीतू सिंह की पेशी होनी है। वहीं चौथी बार रिया चक्रवर्ती भी डीआरडीओ ऑफिस पहुंचकर सवालों के जवाब देने वाली हैं।